हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी ललित बोथरा ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस का आयोजन प्रदेश, जिला तथा शक्ति केंद्र स्तर पर एक एक स्थान पर आयोजित किया गया। बोथरा ने कहा कि पार्टी का ध्वज प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर पर लाएगा। जिला स्तर पर शोभा यात्रा निकाली। स्थापना दिवस के कार्यक्रम संयोजक कैलाश आचार्य ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की शोभा यात्रा प्रातः 7:30 पर गांधी चौक से रवाना होकर मुकुंद जी मंदिर के आगे होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल के नेतृत्व में शोभा यात्रा संपन्न किया। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2 सांसदों से लेकर 303 सांसदों तक पहुंचने वाली पार्टी का सफर बहुत कठिन रहा। इस पार्टी को खड़ा करने में कई लोगों ने त्याग, तपस्या तथा समर्पण के भाव से अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आज पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, उसे हासिल करने में कई लोगों ने अनाम उत्सर्ग किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व तथा गौरव का क्षण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। ये सब कार्यकर्ताओं की बदौलत हो पाया है। कार्यकर्ताओं ने अनुशासित रूप से लगन, मेहनत तथा निष्ठा के साथ समर्पण भाव से कार्य कर पार्टी को इस स्थिति में पहुँचाया है। मेघवाल ने कहा कि आज 18 प्रदेश में भाजपा या भाजपा समर्थित पार्टियों की सरकारें हैं। लगभग 1500 विधायक पार्टी के हैं। राज्यसभा में 100 से ज़्यादा सांसद भाजपा के हैं। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।